आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल देर शाम उनके 14 कालिदास आवास पर भारत में संयुक्त राज्य अमेरिकन एम्बेसी के राजनीतिक मामलों के मिनिस्टर काउंसलर मिनिस्टर ग्राहम डी मेयर ने प्रदेश में व्यापारिक भागीदारी बढ़ाने एवं निवेश को लेकर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच डिफेंस, रक्षा उत्पाद, हेल्थ, मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस, ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा, शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों, कौशल विकास, तकनीकी ज्ञान, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, शहरी विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में व्यापारिक भागीदारी बढ़ाने एवं निवेश को लेकर चर्चा हुई। श्री एके शर्मा ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिवेश में विश्व समुदाय को भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने का अच्छा अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में बेहतर सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व एवं अच्छी कानून व्यवस्था है। 25 करोड़ की आबादी वाला हमारा प्रदेश एक अच्छा मार्केटिंग हब बन चुका है। प्रदेश की GDP बढ़ी है। यहाँ के सारी जीवन स्तर एवं वातावरण में बेहतर सुधार हुआ है। वैश्विक समुदाय ने G20 के बैठकों एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान इसकी काफी प्रशंसा भी की। प्रदेश सरकार की निवेश नीति में भी सुधार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिला है। नगर विकास मंत्री ने यह भी कहा कि यहाँ बने उत्पादों की अब मध्य पूर्व एशिया, मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया के देश में जबरदस्त मांग बढ़ी है। देश और प्रदेश के प्रति वैश्विक धारणा बदली है। इन सबका फायदा निवेशकों व उद्योगपतियों को मिलेगा, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिस्टर ग्राहम डी मेयर ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व क्षमता की बदौलत भारत एक उभरता हुआ वैश्विक शक्ति बन गया है। भारत की बात को पूरी दुनिया बहुत महत्व देती है। अमेरिकन कंपनियां भारत में व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने की इच्छुक है। वर्तमान में चीन के यहाँ से अमेरिकन कंपनियां रुख कर रही हैं, इसका फायदा भारत को मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश करने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर निवेश करने और उद्योग लगाने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने पहली बार लखनऊ आने पर और यहाँ की बेहतरीन व्यवस्था को देखकर अपनी खुशी व्यक्त की और प्रदेश में निवेश को लेकर सकारात्मक चर्चा के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत में अमेरिकन एम्बेसी के राजदूत भी इन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए शीघ्र मिलेंगे। इस दौरान भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका एम्बेसी के लेबर एंड पॉलिटिक्स के सीनियर एडवाइजर मिस्टर ए सुकेश भी मौजूद थे। न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। उधर की कंपनियां और हमारी कंपनियां कैसे साथ में काम कर सकती हैं, इस विषय में चर्चा हुई। भारत का जो व्यापारिक क्षेत्र में जो बढ़ता हुआ कद है, उसकी बढ़ता हुआ जो आकर्षण है, उसके बारे में बात हुआ। हमने उन्हें यह भी बताया कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश पहले की अपेक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले की अपेक्षा, कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, ईज ऑफ लिविंग के बारे में और हर तरह की जो व्यापारी वर्ग को, निवेशकों को सुविधा करने के बारे में किस प्रकार हम तेजी से काम कर रहे हैं, इन सारी बातों पे बात हुई है। और बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने आकर हमसे मुलाकात की। Thank you so much, Mr. Minister. We'll keep meeting. It's a wonderful opportunity to meet with the minister this evening and talk about the great opportunities in the U.S.-India partnership here in Uttar Pradesh. Thank you. U.S. के हमारे पूर्व परिचित, वहाँ जो सीनियर एडवाइजर हैं श्री सुकेतु जी, उन्होंने यूएस एम्बेसी के मिनिस्टर, काउंसलर, पॉलिटिकल अफेयर्स के मिस्टर ग्राहम मेयर, जो हमसे पहले भी मिल चुके हैं, दिल्ली में भी कई बार मुलाकात हुई है उनसे पहले, हमारे वो भी पूर्व परिचित हैं, उनके लखनऊ के आने के बारे में उन्होंने हमको बताया, तो मैंने कहा जरूर मिलेंगे, तो आज मिलना हुआ। हम लोगों ने इंडिया और यूएस के संबंधों के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है। विशेष रूप से हमारे बीच क्या व्यापारिक संबंध बन सकते हैं या बढ़ सकते हैं, उस बारे में विशेष चर्चा हुई है। अमेरिका की कंपनियां हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें आकर के कैसे व्यापार करें, और मेडिकल डिवाइसेस, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर मैनेजमेंट, अर्बन मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट जो होता है, एजुकेशन, इन सभी क्षेत्र। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ।
छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।